रहे हैं कि हम लोग विकास नहीं चाहते, हम लोग ये चाह रहे हैं कि आदिवासियों का अस्तित्व नहीं मिटना चाहिए। आज धारा 244 का जो संवैधानिक पावर मिला है हमारे जनप्रतिनिधियों को नहीं पता है, क्योंकि पांचवी अनुसूची जानते ही नहीं है। देखो आज तक जनप्रतिनिधि ने राष्ट्रीय मंच पे विधानसभा में लोकसभा में पांचवी अनुसूची की बात की क्या? नहीं की। लेकिन आने वाले समय में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पांचवी अनुसूची की बात करेंगे और इसी के नाम पे वोट लेने आएंगे, क्योंकि हमने बोल दिया है कि जो पांचवी अनुसूची की बात नहीं करेगा, विधायक हो सांसद हो, हम किसी भी कीमत पे वोट नहीं देने वाले। और यही जन जागरूकता आपको फैलाना है, क्योंकि पांचवी अनुसूची ऐसी है कि हमको सुरक्षा और संरक्षण देती है। क्या देती है भाई? आदिवासियों का कोई भी जाके कोई सी भी धारा लगा दी जाती है आपको जेल में डाल दिया जाता है। आदिवासियों के ऊपर पांचवी अनुसूची के अंतर्गत कोई भी धारा नहीं लग सकती, बात समझ रहे ना? पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती जब तक कि ग्राम सभा अनुमति नहीं दे, लेकिन हम अपने अधिकार अपने पावर जानते ही नहीं है। जैसे बहुत सारी छात्राओं ने कहा कि हमको शर्म नहीं आती हमारे मम्मी पापा को घाघरा लुगड़ा पहना के शहर में लाने से, लेकिन यह सच्चाई है। आज ज़्यादातर हमारे पढ़े लिखा वर्ग जो है, जो सर इंदौर या भोपाल में घर बना के रह रहे हैं, वो शादी कहाँ कर रहा है? वहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनको इधर शादी करने में शर्म इसलिए आती क्योंकि उनके जितने रिश्तेदार हैं, जितने उनके पढ़े लिखे उनके जो संबंध बनाए हैं, उनको यहाँ आएंगे तो उनको ये कहेंगे कि यार तुम कैसे हो, उनको शर्म आती है। क्या आती है? यहाँ शादी करने का ये मकसद नहीं है उनका कि इंदौर या भोपाल में शादी करें, यहाँ करने का नहीं करने का यही है कि उनको शर्म आ रही है। अब ये दुश्मन आदिवासी को संस्कृति का खत्म करने वाला दुश्मन अनपढ़ आदिवासी नहीं है, कौन हुआ? पढ़ा लिखा आदमी, जो इंदौर भोपाल में आज युवक युवती परिचय सम्मेलन रख रहे हैं ज्यादातर आदिवासी पढ़े लिखे। भाई युवक युवती परिचय सम्मेलन के आदिवासियों को क्या आवश्यकता है भाई? हम तो वैसे ही सामूहिक जीवन जीने वाले लोग हैं। आज एक गांव में शादी होती तो पूरा गांव को हम न्योता देते हैं शादी बुलाने के। भाई भले हम लोग पत्रिका पत्र पत्रिकाएं नहीं छपवाते हैं, लेकिन जो भी हमारी परंपरा है, न्योतावल है, दाने डालते हैं ना कि बुलाने के लिए, तो हमारे तो संबंध ऐसे ही बन रहे हैं, सामूहिकता का जीवन जीते हम लोग। तो हमको ये उस संस्कृति का क्या संबंध है जो हमको एकदम जैसे क्या कहते हैं मंडी लगता है लड़कियों का, कि भाई कौन सी लड़की पसंद है और कौन सी लड़की नहीं पसंद है, मंच पे खड़ी कर दो, अपना परिचय दो, ये कौन सा तरीका है? सही बोल रहा हूं ना मैं? तो ये संस्कृति, ये सब हमारी संस्कृति के खिलाफ है। और यही चीजें अगर कोर्ट में जाएगी तो आपको आदिवासी जो बोला गया है, जो पांच मापदंड दिए गए हैं कि हमारी विशेष संस्कृति, जो आदिवासी बोला गया, जनजाति बोला गया है, उसके लिए भी हमारे पांच क्राइटेरिया है, उसी आधार पर हम लोग जनजाति है। और ये पांच क्राइटेरिया भूल गए, भूल जाओगे तो आपको जनजाति से भी बाहर निकाल दिया जाएगा। ये संविधान में लिखा गया है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब किसी भी जाति को जनजाति में शामिल कर सकता है और जब चाहे तब आपको बाहर कर सकता है। ठीक है, तो बाहर कब करेगा? जब आप जो पांच मापदंड है, विशेष संस्कृति, आदिम विशेषताएं, दूसरों के संपर्क में आने से हिचक, भौगोलिक अलगाव, मतलब हम लोग जंगलों पहाड़ों में रह रहे हैं, समझ रहे ना? विशेष संस्कृति मतलब हम लोग जैसे शादी करते हैं तो लेफ्ट टू राइट घूमते हैं, नाचते हैं तो लेफ्ट टू राइट घूमते हैं कि राइट टू लेफ्ट जाते हैं, उल्टे से जाते हैं ना, घेरा लगा इधर से उधर नाचते ना इधर, तो ये विशेष के बता कैसे नाचते हो? नाचते हो शादी में फेरे लेते हैं तो किधर से किधर जाते हैं, सीधे से उल्टे या उल्टे सीधे? बताओ बताओ, शादी से अच्छे ध्यान से नहीं देखा है आदिवासी हमेशा? शादी के बारे में सर को भी नहीं पता वैसे तो उल्टे से सीधे जाते हम लोग, है ना? तो ये हम लोग का विशेष संस्कृति है, विशेष परंपरा है, और हम लोग का जो पहनावा है, ये सब चीज हमारी ही जो संविधानिक पहचान से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हमको इसमें शर्माना नहीं, हमको गर्व करना है। हमारी जो बोली है, हमारी भाषा है, इस पे अपने ही आदिवासी में बात करो। देखो क्योंकि इसीलिए बात करना है क्योंकि पंजाब वाला पंजाबी में बात करता है, गुजरात वाला गुजराती में बात करता है, उड़ीसा वाला उड़िया में बात करता है, है ना, बंगला वाला बंगले में बात करता है बंगाल वाले। तो हम लोग आदिवासी आदिवासी में क्यों नहीं बात करें? तो गर्व के साथ बोलो, और जो मजाक उड़ाता है उसको बोल दो कि भाई तू अनुसूचित क्षेत्र में रहता है, किस में? अनुसूचित क्षेत्र में 244। बोल के देख लेना कि सर आप 244 के अंतर्गत रहते हो, कलेक्टर और एसपी की हिम्मत नहीं कि आपको कुछ जवाब दे पाए, क्योंकि ये जिस दिन जो आदिवासी जान गया पढ़ा लिखा, उस दिन इनकी हिम्मत नहीं कि आदिवासी क्षेत्र के अंदर आदिवासियों को हुकुम करेगा, क्योंकि संवैधानिक अधिकार मिला हमको। क्या मिला हुआ है? हम 244 की ताकत को अभी नहीं जान रहे हैं। जम्मू कश्मीर वाला
तो एक राज्य में 370 लगी हुई, लेकिन हिम्मत नहीं है किसी की कि वहाँ 370 को हटा दे। आदिवासियों के बारे में तो हमारे क्षेत्र में कोई भी अनुसूची, कोई भी मॉडिफिकेशन किसी को भी घुसा दिया जाता है, हम कभी विरोध करते हैं क्या? क्योंकि हमको पता ही नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं। लेकिन कम से कम जो आप पढ़े लिखे हो, आप छात्र हो, आप लोगों को ये इस चीज़ को रट लो कि धारा 244 एक ये विशेष अधिकार दिए हमको, क्या दिए हैं, और यही हमारी ताकत है जब तक भारत का संविधान है, और इसी के लिए लड़ना है हमको, इससे बाहर जाना ही नहीं। हमको किसी के देवता का विरोध नहीं करना है, किसी के धर्म का विरोध नहीं करना है, हमको जय बोलो तो सिर्फ आदिवासी की, किसकी, क्योंकि कम से कम अपना स्वाभिमान तो जगाओ भाई अच्छी बात। अरे कितने भी संगठन बने हैं, कितने ही राजनीतिक पार्टियां हैं, कौन सी राजनीतिक पार्टी और कौन सा संगठन 244 की बात कह रहा है और बताया है, बताओ आप मुझे, बताया है किसी ने आज तक किसी संगठन ने कि 244 के बारे में? क्योंकि उनको 244 को खत्म करना है, क्या करना है उनको, खत्म करना है, ताकि जब संविधान खत्म हो जाएगा तो आदिवासियों को कोई नहीं बचा सकता। भाई सेना से तो नहीं लड़ सकते ना हम, लड़ सकते हैं क्या? तो आज तो हमारे पास धनुष बाण भी नहीं बचा घर पे, उनके पास तो ऐसे ऐसे बम बना के कि वो दिल्ली से छोड़ देगा, झाबुआ में थानला में खत्म कर देगा, नहीं लड़ सकते ना। तो हमको जो बचा के रखा है, कौन बचा के रखा है, संविधान बचा के रखा है। तो ये धारा 244 पांचवी अनुसूची, अब अगले चुनाव में जो भी आए उनको बोलो कि संविधान की पांचवी अनुसूची की लागू करवाओ, तब वोट दे, नहीं तो नहीं दे, बात खत्म, बात समझ रहे ना। और ये नेता लोग अभी देखो आने वाले चुनाव में पांचवी अनुसूची की बात करेगा, हर विधायक करेगा, पार्टी करेगा, तो इनको वोट दो, तो आदमी तो बोला हो कि राजनीतिक पार्टी को आदिवासी क्षेत्र से खत्म कर दो, क्या कर दो, कोई सी भी पार्टी होगा, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो गया, इनको आदिवासी क्षेत्र से खत्म कर दो, सिर्फ आदिवासी ही होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, जब आदिवासी ही रहेगा तो राज भी आदिवासी का चलेगा, बात भी आदिवासी की होगी, विधानसभा में आदिवासी की बात होगी, लोकसभा में आदिवासी की बात होगी, तो हमको पार्टी क्या लेना देना भाई, बात किसकी होनी चाहिए, आदिवासी की, आदिवासी की। तो ये स्वाभिमान आप सभी के अंदर जगना चाहिए, है ना। और नए साल में आप संकल्प लो कि कलेक्टर से कम मंजूर नहीं, एसपी से कम, और इस कोचिंग से कलेक्टर और एसपी बनो, मतलब मैं बोल रहा हूँ इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा। 244 से भी कोई मंजूर नहीं है ना। दूसरा चीज, आप लोग जैसे यहाँ तो कोचिंग कर रहे हो, दिल्ली में भी हम लोगों ने निशुल्क कोचिंग खोला है आईएएस और आईपीएस के लिए, निशुल्क कोचिंग है वहाँ पे, जहाँ पे दिल्ली में 1.5 लाख से कम फीस नहीं लगती साल भर, कितनी, उस जगह पे हम लोगों ने निशुल्क कोचिंग खोला है। आप जाओ तो सही, पढ़ो तो सही, सोचो तो सही, आप लोगों को करना क्या, पूरा फैसिलिटी है दिल्ली में भी निशुल्क कोचिंग, मैंने फेसबुक पे भी डाल रखा हूँ, व्हाट्सएप पे भी डाल रहा हूँ, जिसको भी जाना हो दिल्ली, बात समझ रहे ना, दिल्ली वहाँ पे नंबर एक बार जाके बोल दो कि हमको जयस की तरफ से, हम तो है बात नाम बोल दो सिर्फ, भाई हमको तो जयस की तरफ से आया, वो तुमको बोल देना कि जयस की तरफ से आए हैं, डॉक्टर हीरा ने बोला है, बस इतना बता दो, वो निशुल्क तुमको एंट्री देगा वहाँ पे। पर हमको क्या, हमको तो नॉलेज लेना है, उनके नोट्स मिल जाएंगे, गाइडेंस ले लो, बाकी घर पे पढ़ते रहो, बात समझ रहे ना भाई, भले साल भर नहीं जाओ, 6 महीने के लिए पढ़ लो, वहाँ पे जाओ हॉस्टल में रहो, अभी तो रहने का हम लोगों ने फैसिलिटी नहीं दिया, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में अगर आदिवासियों की एकता अगर ऐसी ही बनी रही, ऐसा ही हम लोग आप लोगों का सहयोग मिला, तो हमें सारे कोचिंग क्लासेस के लिए स्पेशल हॉस्टल्स बनवा सकते हैं, स्पेशल हॉस्टल्स बनवा सकते हैं, इसका फंडिंग भी दिलवा सकते हैं, कैसे कैसे भाई, आज एक विधायक को साल भर का 2 करोड़ रुपये मिलता है, कितना, और अभी सांसद को साल भर का 15 करोड़ कर दिया, कितना, 15 करोड़। तो भाई आदिवासियों को चाहिए क्या यार, शिक्षा ही तो चाहिए, अब 15 करोड़ में से 5-5 करोड़ हम लोगों के लिए हॉस्टल बनवा दो भाई, साल भर में 2 हर साल, बात समझ रहे ना। ऐसे सांसद, ऐसे आदिवासी विधायक बना जो एजुकेशन के क्षेत्र में काम करे, किसके क्षेत्र में, अरे ऐसे लोगों को क्यों वोट देना भाई जो एजुकेशन की शिक्षा की बात ही नहीं कर रहे। आज देखो कर्मचारी पढ़ा लिखा जैसे बीमा सर हो गए हैं, इनका जो टीम है, कम से कम अपने नौकरी में से जो मेहनत का कमाई है, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और आप लोगों के लिए घर दिलवाया है, आप लोगों को टीचर से अवेलेबल करवाए हैं, उसके लिए पैसा लग रहा है, खुद का पैसा है, जबकि हमारे पास सरकार फंड जो जनजाति के नाम पे, जनजाति के विकास के नाम पे, तुम्हारे झाबुआ जिला तो विशेष पिछड़ा वर्ग में, पिछड़े जिले में आता है, विशेष केंद्र सरकार से फंड आता है, ये लोग फंड जाता कहाँ है, सब दूसरे लूटपाट करते हैं भाई, जहाँ पे जिस जिले में सबसे ज्यादा एजुकेशन की जरूरत है वहाँ पे एजुकेशन पे पैसा कहाँ खर्च हो रहा है भाई, सब लूटपाट, सब भ्रष्टाचार,
और उसके लिए आवाज कौन किसको उठाना है, युवाओं को उठाना है, आप लोगों को उठाना है। तो ये सारा एजुकेशन का जो आदि हम जो जितना अनुसूचित क्षेत्र में जितना हॉस्टल चल रहा है, जितने कॉलेज चल रहा है, फंड कहाँ से आता, आदिम जाति कल्याण विभाग, और जिसमें सब लोग पढ़ते हैं, हमारे पैसे के अंतर्गत सारे लोग पढ़ते हैं भाई। ऐसा नहीं कि आदिवासी पढ़ रहा है, आदिवासी पढ़ता है क्या? स्कूल जो चल रही है गवर्नमेंट का, कॉलेज जो चल रहा है, वो आदिम जाति कल्याण विभाग से पैसा, और सब लोग पढ़ रहे हैं, और पैसा किसका है? आदिवासी। हमारा एहसान है सबके ऊपर, बात समझ रहे ना? और फिर भी हम लोग अगर कोचिंग के लिए हम लोगों को नहीं बिल्डिंग मिल रहा, सरकार नहीं बना रहा, तो हम डिमांड करेंगे सरकार से, अगर आप लोग सब एकजुट होकर सहयोग करोगे तो इनको सारा जो 5 करोड़ मिल रहा ना, मैं बोल रहा हूँ एक ऐसा, हम लोग अगर इतना जागरूक हो गए हमारे वोट बैंक में, 15 करोड़ मिल रहा है, 5 करोड़ सर अगर कोचिंग को दान करेगा जो सांसद या विधायक, तो हमारे क्षेत्र का आदिवासी किसी की कोई जरूरत नहीं, अपने आप आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, और सारे कलेक्टर एसपी सब इधर से ही बनेगा, क्योंकि इतनी फैसिलिटी अगर आप लोगों को मिल जाएगा, सारे नोट्स फ्री में मिल जाएगा, कंप्यूटर मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, हॉस्टल मिल जाएगा, तो क्यों नहीं बनोगे कलेक्टर एसपी? लेकिन उसके लिए आप लोगों को थोड़ा जागरूक होना है, आप लोग ये जो एजुकेशन के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनका सहयोग कर रहे हैं। अरे दुनिया में कितने भी लोग तोड़ने के लिए आ जाए, संगठन बोल दे कि जैसे ऐसा है, अरे हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बात समझ रहे ना? हम लोग हमारी कोचिंगों में लोग पढ़ रहे हैं, ये कम है क्या? है ना? तो आप लोग इनका हेल्प करो, और ताकि आने वाले समय में हम लोग आप लोगों के लिए इतना कुछ करें कि इधर नीचे बिठाने के बजाय आपको टेबल कुर्सी पे बिठाएं, हर लड़की के पास एक कंप्यूटर हो, और क्योंकि आने वाले समय में एजुकेशन बहुत आगे जाने वाला है, आपको बुक्स वाली जो बुक्स हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट वाली पढ़ रहे हैं ना, सब ये खत्म हो जाएगा, एक टेबलेट मिल जाएगी आपको और उसमें सारी बुक्स आ जाएगी, 50 बुक एक टेबलेट में, बस्ते वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो सारे एक टेबलेट के थ्रू आप पढ़ते रहो, सब कुछ करते रहिए, फैसिलिटी अगर हमारे पैसे का हम सही इस्तेमाल करें तो हमको सब मिल सकता है।